अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी स्ट्रेटजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस एहतजाज करने का फ़ैसला किया है, बल्कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ये हो ही रहा था, कुछ हफ़्तों से ये हो ही रहा था, लेकिन अब इसमें मज़ीद तेज़ी लाने का और मज़ीद जारहाना अंदाज़ अपनाने की बात हो रही है। उसकी एक झलक हमें आज मिलती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक इस्लामाबाद का रुख कर रही है। न सिर्फ ये बल्कि कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी जलसा करने का इरादा रखती है। अब इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अरियमीन गंडापुर जलसे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा से लेके आ रहे हैं और पूरे मुल्क से लोगों को डी चौक आने की जो कॉल दी गई है, वो कॉल ऐसे वक्त में दी गई है जिस वक्त इंतहाई सेंसिटिव माहौल है दारुल हुकूमत के अंदर, मुल्क के अंदर, और दारुल हुकूमत में फॉरेन डिग्निटरीज़ की आमद मुतवक्के है। एससीओ का समिट होना है, आपको पता है मलेशियन वज़ीर आज़म आज ही गए हैं, उसके लिए भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस सारे में जब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी सूरत हाल, उसके सियासी माहौल के ऊपर हैं, उस वक्त एक सियासी जमात का इस्लामाबाद की तरफ रुख करना, दारुल हुकूमत की तरफ आना, इतनी जारहाना ज़बान इस्तेमाल करना और ये कहना एक धावे किसी सूरत हाल, वो भी एक सूबे के वज़ीर आला की तरफ से, सरकारी मशीनरी का, सरकारी जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, इसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है, बहुत तनकीद हो रही है और इसको बिल्कुल अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। ये जो सारा का सारा मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है, क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये जो तासुर जा रहा है कि वो एक इंतशार, एक तशद्दुद की जमात और वो भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बन रही है, वो इसके लिए डैमेजिंग होगा? अपने तजियाकारों के सामने ये ज़रा सवाल रखा है हमने और इस इशू को डिस्कस करने के लिए बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि पीटीआई के लिए इस किस्म के तर्ज सियासत मुस्तकबिल और मुस्तकिल के लिए काबिल अमल है, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना मोड में है, कहती है हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन इस मौके के ऊपर जब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और दारुल हुकूमत पर सबकी नज़रें हैं, हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, क्या आपके ख्याल में दुरुस्त इकदाम है और दुरुस्त सियासी मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ासकर ये जो इस्लामाबाद के ऊपर आना और जलसे जुलूस लेकर आना? नहीं, मेरा ख्याल है मैडम शेख ये दुरुस्त मूव नहीं है और जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, मुझे लगता है कि वो ठीक हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदकिस्मती से बड़ी गलत टाइमिंग चुनी है। मैडम शेख, इसी प्लेटफॉर्म से और बाकी सारी जगहों पे हमेशा हमने और मैंने ख़ास तौर पर इस पर मजम्मत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने प्लेइंग फील्ड ले ली, सियासी स्पेस ले ली, पार्टी तोड़ दी, रिकॉर्ड मन घड़त मुकदमे बनाए, रिकॉर्ड फेंटियाँ, रिकॉर्ड आंसू गैसें, रिकॉर्ड क्रैकडाउन, रिकॉर्ड चादर चार दीवारी की पामालियाँ, रिकॉर्ड बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, बल्ला छीन लिया, मैंडेट छीन लिया और मखसूस नशिस्तें छीन लीं, और इसी प्लेटफॉर्म से और इसी जगह से मैंने बार बार कहा कि मत कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला, दहशतगर्द जमात, मुल्क दुश्मन, यहूदी एजेंट, आर्टिकल 6 लगाओ, बगावत के मुकदमे कायम करो, पार्टी पर पाबंदी लगाओ, इंतकाम और बुग्ज भरी सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कानून साजियां ना करो। लेकिन मैडम शेख, अब इस वक्त हालात देखें आप, मैं अभी इस्लामाबाद के रस्तों से गुजर के आया हूँ, पूरा इस्लामाबाद सील है, कंटेनरों की भरमार है, जगह जगह नाके हैं, पुलिस, रेंजर्स, फौज, दफा 144, इस्लामाबाद चारों तरफ से बंद है, मोटरवे तक खोद दी गई है, मोर्चे बन चुके हैं, जंग का माहौल है, जंग का समा है। अब मैं इस बात पे नहीं कहता कि इसका मुल्क को कितना नुकसान होगा और इस्लामाबाद को कितना नुकसान होगा और जो लोग रुल रहे हैं सड़कों पर उनको कितना नुकसान होगा, ये छोड़ दीजिए, और बच्चों की छुट्टियाँ और पता नहीं क्या क्या, इसको छोड़ दीजिए। इस वक्त हालात क्या हैं, मुआशी चैलेंजेस, मईशत बेहतर होने लग की खबरें आ रही हैं और हालात मुआशी चैलेंजेस आगे बहुत ज़्यादा हैं, बलोचिस्तान दहशतगर्दी की नई लहर है, बलोचिस्तान और केपी के बदतरीन हालात हैं,
ऊपर से शंघाई कॉन्फ्रेंस आ रही है और अभी आज मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वापस गए हैं, मतलब अभी डेलीगेशन यहाँ है जो उनके साथ आया, तो अभी तक यहाँ है। और शंघाई कॉन्फ्रेंस है किसकी, इसका रूए रवां कौन है, चाइना। चाइना कौन है, हमारा हर मुश्किल वक्त में एक दो मुल्क रह गए हैं जो साथ देते हैं, और ऊपर से हम आइनी तरह मीम वाला झगड़ा, ऊपर से झूठी अनाओं और झूठी जिद्दों के कुतुब मीनार। अब इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पूरे मुल्क में है, जो बिलाशुबा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और बिलाशुबा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन इस वक्त क्या कर इमरान खान को चाहिए था, इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए था, कितना अच्छा होता इमरान खान और तहरीक इंसाफ शंघाई कॉन्फ्रेंस होने तक इत्तेजाज मुलतवी कर देती, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद इत्तेजाज करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने अगस्त में इत्तेजाज मुलतवी किया था जब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ मुबारक सानी केस था और दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जारी था, और उस वक्त और तमाम मजहबी जमातों के लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, सूरत हाल टेंस थी, उस वक्त इमरान खान को कहा, उन्होंने ये इत्तेजाज मुलतवी कर दिया और इमरान खान की तारीफें हम सारों ने की कि बहुत अच्छा किया। अब मैडम शेख ये छोड़ दीजिए कि पीडीएम वन के दौर में भी 60 से 70 जलसे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तीन लॉन्ग मार्च भी किए, और ये भी छोड़ दीजिए कि 15 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसे की भी इजाज़त नहीं मिली, और अगर दो जलसे जो हुए वो बकर मंडियों में मजका खेज और भौंडी शर्तों के साथ, और जलसे के बाद जलसे में जो जबान इस्तेमाल हुई वो भी काबिले मुजम्मत, और जलसे के बाद जो पर्चे हुए दहशतगर्दी के वो भी काबिले मुजम्मत, और जो पकड़े गए पार्लियामेंट से वो भी काबिले मुजम्मत। लेकिन मैडम शेख आप मुझे बताएं कि आप तासुर क्या बना रही है हकूमत, ये जो जाली हकूमत है ये क्या तासुर बना रही है कि ये है वो जमात जो मुल्क को चलने नहीं देती। जब चीन का सदर आ रहा था उस वक्त भी आप इत्तेजाज कर रहे थे, आज शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आप उस वक्त भी इत्तेजाज कर रहे हैं, और बड़े अरसे के बाद भारत का वजीर खारजा और बाकी सारे आ रहे हैं और आप इत्तेजाज कर रहे हैं, और ये तासुर क्या बना रही है हुकूमत के ये केपी के वसाइल से वफाक और पंजाब पर हमलावर होते हैं, आए रोज़ आप वहाँ से आते हैं और हमलावर करते हैं, सुबाइयत पसंद फैलाते हैं, और तासुर क्या बना रही है ये हकूमत जो है ये बना रही है कि ये रियासती मफादात और हकूमती मफादात को नहीं देखते, ये सिर्फ अपनी सियासत करते हैं। अब मैडम शेख वफाक की एक बड़ी जमात, पूरे मुल्क की एक जमात और जिसका इत्तेजाज भी हक है, मगर ये मौका नहीं था इत्तेजाज करने का और ये मुनासिब वक्त नहीं था, और अब सोचिए कि कोई अगर मेहमान नहीं आता शंघाई कॉन्फ्रेंस में तो किस पर सारा इल्ज़ाम लगेगा, कोई खुदा ना खास्ता मिस हैप हो जाता है, जो हालात हैं इस्लामाबाद के मैं देख के आया हूँ और कई जगहों पे आंसू गैस फेंकी जा रही थी, तो अब अगर कोई मिसहैप हो जाता है खुदा ना खास्ता तो किस पर इल्ज़ाम लगेगा, और अब अगर मैडम शेख जो इस वक्त इस्लामाबाद में है या जो एक तासुर बन रहा है कि भाई ये लग ऐसे रहा है कि केपी में गवर्नर राज लगा दें, ये हालात इस तरह वरना नहीं संभलेंगे, और बहुत सारे दोस्त अब हमारे साथ जो वो बहसें करने लग गए हैं कि जी फिर ये तो एमक्यूएम की अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम हो गई, तो अगर पीटीआई पर की हकूमत यानी केपी में गवर्नर राज खुदा ना खास्ता लग जाता है, अगर इसको अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम समझा जाता है, और अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे चलकर मुश्किलात पैदा होती हैं, या इन्हीं चीज़ों की वजह से ये हकूमत जो फार्म 47 की है वो मजीद मजबूत हो जाती है, तो किसका नुकसान है इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो लिहाजा मैं समझता हूँ, मैं दरख्वास्त भी उनसे करूँगा कि खुदा के लिए अगर आज आपने डी चौक पे आना तो पागलपन है ना, आप डी चौक पे आके क्या कर लेंगे, जैसे हम इस पे मुजम्मत करते हैं कि किसी सियासी जमात को ताकत से क्रश नहीं किया जा सकता, वैसे ये भी ठीक है, और ये इमरान खान खुद कहते थे सड़कों पर आकर हुकूमत को फारग नहीं किया जा अच्छा, सकता। आपने बड़ी अहम बात की, हुकूमत की तरफ से तासुर बयानबाजी आ रही है,
या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर छाप लगती जा रही है कि वो एहतजाज तशद्दुद की सियासत की तरफ ज़्यादा। लेकिन बेनज़ीर, क्या अगर ये तासुर बन रहा है या इल्ज़ामात लग रहे हैं तो इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो हर दूसरे दिन कभी विफाक के ऊपर धमकियाँ देते हैं, सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी वसाइल हैं, उनका इस्तेमाल करके या विफाक या किसी सूबे की तरफ रुख कर लेते हैं। तो इससे इमेज क्या जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का और पार्टी का? अलीना, मैं इमेज पे आती हूँ, लेकिन पहले ये बात करना ज़रूरी है कि इस वक्त पीटीआई के लिए क्यों इतना अहम है एहतजाज करना, इस्लामाबाद में भी और बाकी भी शहरों में। मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए अगले जो 20-21 दिन है वो बहुत अहम है, जब तक हमारी चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर नहीं करते, क्योंकि इस दौरान हुकूमत की कोशिश होगी कि वो आईनी तरमीम लेके, और अब तो अब शायद ये भी कुछ खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शायद अगले हफ्ते नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया जाए और तरमीम रखी जाए। तो पीटीआई की टैक्टिक या स्ट्रेटेजी ये है कि जितना भी हो सके हम एहतजाज करें ताकि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और इनकी जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश है इसको नाकाम किया जाए। तो जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आप अभी ना करें, 17 तारीख के बाद कर लें, तो वो उस पर पीटीआई तो नहीं मानेगी, क्योंकि फिर तो बहुत वक्त गुजर जाएगा और हो सकता है तब तक आईनी तरमीम भी आ जाए। तो वो तो चाहेंगे कि जितना भी हो सके वो एहतजाज करें और प्रेशर डालें। अब प्रॉब्लम जो है इस वक्त वो है दोनों तरफ, पीटीआई भी और हुकूमत भी। पीटीआई का एक इमेज बन गया है कि उन वो जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं या अक्सर जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 2014 का ले लें, पार्लियामेंट पीटीवी का जो हमला था, फिर 9 मई के वाकयात भी उनके साथ जो हैं वो जुड़े हुए, तो एक खौफ रहता है रियासत में कि ये एहतजाज की कॉल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात खराब हो जाए। अब होना क्या चाहिए था? सियासी मसला है, सियासी तरीके से हल होना चाहिए था। मेरी राय में हुकूमत को बैठना चाहिए था पीटीआई के साथ, ठीक है आपकी एक टाइमलाइन है, आप चाहते हैं कि आप इसमें एहतजाज करना चाहते हैं, आपके लिए वक्त बहुत अहम है, तो आए चले बैठते हैं, आप डी चौक पे ना करें, आप इस्लामाबाद में कहीं और कर लें, आप पंजाब में कहीं और कर लें। लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या आता है? रिएक्शन नहीं आता अलीना, ओवर रिएक्शन आता है। आपने पंजाब के बड़े शहरों में सेक्शन 144 लगा दिया, आपके वुजरा आते हैं टीवी पे और कहते हैं पीटीआई तो एक दहशतगर्द जमात है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर आके कहते हैं मैं क्यों उनसे बात करूं, मैं तो नहीं बात करूंगा। आप क्यों नहीं बात करेंगे? आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपका काम है मसले को हल करें, बजाय इसके कि आप इस किस्म के बयानात दें। यहां पे बिल्कुल पीटीआई का एक बड़ा रेकलेस एटीट्यूड है एहतजाज के हवाले से, लेकिन ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत की बनती है। आप बैठे इस मामले को हल करें, और मुझे बड़ी हैरानी हुई है अलीना आज के, हुकूमत आपको नजर नहीं आती। कहाँ है हुकूमत की क्यादत, कहाँ है मुस्लिम लीग नून की क्यादत? क्यों नहीं बैठ रही वो पीटीआई के साथ उस मसले को हल करने की कोशिश कर रही? मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब को वो जो उनको वो इस वक्त फेस ऑफ दिस गवर्नमेंट है, और उनका हल जो होता है वो हर चीज का हमने देखा है कि सोशल मीडिया बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, कंटेनर लगा दो। तो हुकूमत को चाहिए था कि इस मसले को सियासी तरीके से हल करे। देखिए वो अपोजिशन में है, वो रेकलेस हो सकते हैं, वो प्रेशर डाल सकते हैं हुकूमत पे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? मामलात को हल करें, जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। बेनज़ीर, आपने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अली अमीन कन्नापुर भी तो हुकूमत में, उनके भी एक सूबे के ऊपर हुक्मरानी है, वो भी तो रिप्रेजेंट करते हैं इस रियासत का एक ही पार्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, और ये भी बार बार उन पर इल्ज़ाम लगा जाता है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए, उनके पास एक सूबा है इस जिस किस्म के वो बयान देते हैं। लेकिन जहाँ तक ये डी चौक की बात हो रही है और यहाँ पर जो एहतजाज की बात हो रही है, यहाँ पे वफाकी हुकूमत को लीड लेनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, आपने कहा बड़े एविडेंट रीजंस हैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज करना चाहती है, लेकिन इस वक्त एहतजाज से उनको ज्यादा हासिल होगा या ज्यादा नुकसान होगा? क्या इस एहतजाज से वो वाकई में उस प्रेशर से हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, या फिर उल्टा उनको नुकसान होगा? और उनके ऊपर जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा, यह तासुर उनसे मुतल्लिक बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है, जिस तरह भी आप कह लें कि वो हर वक्त सड़कों का रुख किए रखते हैं, तशद्दुद करते हैं, और उसके जो रेप्रिकॉशंस होंगे उससे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ को। अलीना देखिए, मुझे नहीं लगता इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो इस आईनी तरमीम को रोक सकेगी। अगर कोई है इस वक्त इस पोजीशन में तो वो JUIF है, लेकिन क्योंकि वो अपोजिशन में है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड तो करेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा, तो आपके लिए बहुत अहम है।
अच्छा, तो ऐसा उनको कहना कि आप अभी ना करें तो दो हफ्ते बाद कर ले, वो नहीं मानेंगे। तो अब आपने कोई ना कोई हल तो ढूंढना है ना, तो हल अब आपका ये होना चाहिए कि आप किसी और शहर में कर लें, आप किसी और जगह में कर लें, इस्लामाबाद में हम आपके साथ बैठ के SOP तय करते हैं। भट्टी साहब कुछ ऐड कर रहे थे दरमियान में, प्लीज मुख्तसर। हाँ, एक खबर है, अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, ऐसा चल रहा है कि शायद आइनी तरमीम जो हैं वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद पेश हों और मंजूर हों। लेकिन अगर आइनी तरमीम पेश हो जाती है असम्बली में तो एक जस्टिफिकेशन होती है कि भाई ये क्यों कर रहे हो आज़ाद अदलिया पर हमले, ये क्यों कर रहे हो आप आज़ाद अदलिया को ख़त्म। लेकिन जब इस वक्त अब आप इस आइनी तरमीम से पहले और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद है और शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उस वक्त जब आप इस आते हैं और आप कहते हैं कि हम डी चौक पे आना है, तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने लिए मुश्किलात ज्यादा होंगी। एजाज, आपकी क्या राय है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा चुके हैं, और जो अगला बड़ा इवेंट है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में गैर मामूली इजलास है। ये इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन ये इजलास इसलिए अहम है कि यहाँ पर भारत की तरफ से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वो भी तशरीफ लेके आ रहे हैं, और जाहिर है एक पूरा एक एनवायरनमेंट है, इस खित्ते का इस खित्ते की शक्ल बदल सकती है अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो दोबारा कंपोजिट डायलॉग के ऊपर वो राजी हो जाए। और ये वो कॉम्पोजिट डायलॉग हैं जो कि शुरू हुए थे, बुनियाद तो उसकी डाली थी नवाज शरीफ साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इस खत्ते के बड़े लीडर थे उनके साथ मिलकर, और दोनों बड़े लीडरों ने मिलकर उसकी बुनियाद डाली थी। लेकिन इसको आगे कौन लेके गया था? इसको आगे लेके गए थे जल मुशरफ और मनमोहन सिंह। सर, उसकी तारीख के ऊपर अगले सवाल में जरा डिटेल से बात करते हैं, अगर इसके ऊपर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तवज्जो हम रखें और उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर। मैं कमिंग बैक जरा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था कि इतना अहम इतनी अहम मीटिंग होने जा रही है और उस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कर रही है। अच्छा, एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जमहूरी आईनी हक है, कोई इस पर बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज तरतीब देती हैं अपने इंफरादी जो अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए। जब ये एहतजाज तशकील दे रहे होते हैं हमारी सियासी जमातों के रहनुमा, तो उनकी नज़र में पाकिस्तान के मफादात नहीं होते, वो पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि वो अपने पार्टी के मफादात और जो हुक्मरान जमात है उसको नीचे गिरा के दोबारा खुद इक्तदार में आने के हदफ को मद्देनजर रखे हुए होते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पर आकर इनकी जो स्ट्रेटजी है वो गलत हो जाती है, और यही वो वजह है जहां पर जब हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करती हैं, उनके ऊपर आसानी से बैठ के अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग तनकीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर नहीं रखती। आज अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से बानी PTI जो ऐलान कर देते कि चूंकि शंघाई तआवुन तंजीम का इजलास हो रहा है और ये पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, मैं इन दो तीन तारीखों को जब जो डेलीगेट्स आ रहे होंगे पूरी दुनिया से, मैं एहतजाज नहीं करूंगा और पाकिस्तान के लिए नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल में उनका कद इनकी जमात की स्टैंडिंग वो और ज्यादा बड़ी होती। लेकिन मकसद ये नहीं, मकसद है इनकी जो विजन है सारी सियासी जमातों की वो नैरो है, और नैरो क्या है कि हम इक्तदार में हैं, और इसमें मैं कहूंगा सबसे जो नंबर वन है वो तहरीक इंसाफ है, जो मेरे ख्याल में इस हवाले से इनका रिकॉर्ड बहुत बहुत बुरा है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। काश ये बड़ा पन दिखाएं, विजन बड़ा करें, दिल खुला करें। बेनजीर ने बात कही कि काजी फैजी साहब की रिटायरमेंट तक के लिए एहतजाज इनके लिए जरूरी, बिल्कुल दुरुस्त बेनजीर ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली यही बात है। और लेकिन इसमें ये तीन दिन सबर नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट देखिए ना, गवर्नमेंट भी चाहती है कि साथ ही वो चट मंगनी और पट ब्याह वाला साहब के चट SEO और पट जो है आईनी तरमीम,
तो गवर्नमेंट भी अपने खेल खेल रही है, गवर्नमेंट भी जो रियासत के जो मफादात हैं उनके पीछे चुप रही है, और सूरत हाल हमारे सामने। लेकिन सर इससे तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा नहीं हो रहा? मतलब आपने तो बड़ी सियासी जमातें और उनके उतार चढ़ाव देखे, अगर इवन हम एजाज़ की बात कोई आगे बढ़ाएं कि पार्टी अपने मफादात को देखती है, अपनी पार्टी की बका को देखती है, तो अगर ज़ाती मफाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा जाए, अपने ऊपर से सख्तियाँ उतारना, अपने लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना, ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है ना उसके लिए, तो इस तरह के माहौल में क्या आप समझते हैं ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है? देखिए तहरीक इंसाफ को सोचने का ये है कि अगर खुदा न खास्ता, जिसकी तरफ भट्टी साहब ने भी इशारा किया, एजाज ने, कोई मिसअप हो जाता है, इसका टोटल नुकसान पीटीआई को होगा। कोई एक मिसअप होता है और इंटरनेशनली होगा। अब तहरीक इंसाफ को सोचने का, और सिर्फ अभी हम शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी आई हुई है, कोई एक वाकया पंजाब में हो जाता है, कोई एक बड़ा टेररिज्म का वाकया हो जाता है, आप ज़ाहिर सड़कें बंद हैं, सब कुछ बंद है, कोई वाकया हो जाता है, तो तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी दबाव में है, जो ऑलरेडी उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये इल्ज़ाम फिर तहरीक इंसाफ जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए इस चीज़ को डिनाई करना। तो ये सबसे बड़ी बात थी, और ग्रेस होता है जब आप कौमी मफाद की बात करते हैं, जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये चीज़ें कि जब ये, क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस कोई पाकिस्तान ने तो वो नहीं की है, शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है, ये किसी जमात के लिए, किसी हुकूमत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बहसियत कौम एक बड़ा एजाज़ है। इसको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ को ग्रेज दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके आज के एहतजाज या कल के एहतजाज से तो चीज़ें तब्दील नहीं हो जाएंगी, तो लिहाजा इस चीज़ को अगर वो डिफ़र करते और इस पॉइंट पर करते कि जो हुकूमत की तमाम तर ज़ालमाना इकदामात के और गैर आइनी गैर कानूनी इकदामात के बावजूद हम पाकिस्तान के कौमी मफाद में अपने इस एहतजाज को मौखर कर रहे हैं, तो इससे कद बढ़ता है, इससे कद कम नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था, अपनी जिस तरह अभी भट्टी साहब, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो लेटेस्ट मैं वो देख रहा था कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है 17 अक्टूबर तक 245 के तहत जी। हुकूमत बड़े आराम से, जब खुद भी वो कह रहे थे कि भाई अब ये आईनी तरमीम अगर आपने इसको नाक का मसला बनाया हुआ है कि हर सूरत में 26 से पहले, तो क्यों नाक का मसला बनाया हुआ है आपने इसको? क्या आपके पेश नज़र नहीं है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या आपके पेश नज़र ये बात नहीं है कि इस पर जो है एहतजाज हो रहा है, इस पर अपोजिशन है? तो आप भी ग्रेज दिखाते, ठीक है, क्या होता अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही मंसूर अली शाह से जिनकी तारीफ़ों के आप पुल बांधा करते थे। तो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ, अब जैसे कल मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने रख लिया, फिर किसी और दिन किसी और शहर पे, इस चीज़ को आप चंद दिन के लिए, एक हफ़्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें। आखिर असम्बली तो मौजूद है ना, आपके मेंबरान भी असेंबली में मौजूद हैं, असेंबली में एहतजाज करें। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कौमी असेंबली सेनेट के मेंबरान कौमी असेंबली सेनेट के बाहर आके एहतजाज कर लें, थोड़ा सा उसमें आप अंदर प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं, किसी भी दूसरे अंदाज में प्रोटेस्ट करें, करें, लेकिन जब सड़क पे आने की बात होती है, जब धरने की बात होती है, जहाँ टेयर गैस का ख़तरा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि मॉब मेंटालिटी जो है उसमें कोई भी एक टेररिज्म का वाकया हो जाएगा तो वो फिर उसका इल्ज़ाम फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जाएगा, और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप को बड़ापन दिखाना चाहिए, ग्रेज दिखाना चाहिए, और हुकूमत को कम से कम अपने वुजरा को चुप करा देना चाहिए। जिस तरह की आके चीज़ें बात करती हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये मौका नहीं है इस तरह की चीज़ों का। अगर आप लोग सारे लोग पाकिस्तान के मफाद में, और एक आखिरी बात, लॉन्गर टर्म पे हमें ये सोचना पड़ेगा क्या इस्लामाबाद एज ए वफाकी दारुलकूमत वाकई एक सही जगह है या नहीं, क्योंकि हम साला साल से कम 20 साल से तो देख रहे हैं कि एक एहतजाज होता है पूरा इस्लामाबाद पेशावर ये सारी सड़कें बंद हो जाती हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक इंतहाई अहम सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आएंगे, ऐलान हुआ है अभी, भारतीय जो वज़रा हैं उनकी जानिब से इसको डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब से कुछ देर पहले ऐलान हुआ है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। आपको याद होगा इससे पहले भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर ऑनलाइन अटेंड किया जाएगा किसी वजीर की तरफ से, हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दावत एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये ऐलान हुआ है कि जयशंकर खुद आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है, क्योंकि एक दिहाई बाद तकरीबन ये अपनी नौइयत का पहला दौरा होगा, मतलब एक दिहाई के बाद कोई वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेगा। लेकिन जहां ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है, वहां इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, और तलखी या खलिश इसमें ये है कि आपको याद ही होगा गुज़श्ता साल जब SCO इजलास भारत ने इसकी मेज़बानी की थी और हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए, तो ज़्यादा कुछ पेशरफ्त हुई नहीं, ज़्यादा गर्म जोशी का भारत ने भी मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि वापसी पर जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस जारहाना टोन में पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान दिया, उससे ज़रा बदमजगी सी हो गई और फिर इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई। बट अब जयशंकर जो आ रहे हैं पाकिस्तान, इससे मुराद क्या ली जाए, ये क्या पैगाम है? और सवाल कुछ यूँ कि क्या SCO का प्लेटफॉर्म भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मुस्बत पेशरफ ला सकता है? बेनज़ीर, क्या राय आपकी? लेना, मुझे तो कोई ख़ास इमीडिएटली ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरी राय में ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं है। इस वक्त अभी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, और ये इलेक्शन जो हैं, ये ख़ासतौर पर महाराष्ट्र वाला, ये बहुत ही अहम है BJP के लिए, क्योंकि उस पर इनकी इलेक्शन में कोई खास इतनी शोइंग नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जो कह रही थी आपकी बार 400 पार, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ गई, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ये स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो जीतें। तो इस वक्त इंडिया की पॉलिसी बड़ी इनवर्ड लुकिंग लग रही है कि हम अपने डोमेस्टिक मामलों को ज़रा पहले देखेंगे, फिर कोई फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ या नेबरिंग ममालिक के साथ जो है हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि SCO का प्लेटफॉर्म भी वो शायद प्लेटफॉर्म नहीं है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। ये कोई SAARC ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। SCO में दो बहुत बड़े और बड़ी अहम ममालिक हैं, और वो है चाइना और रशिया। तो जो सारा फोकस होगा वो चाइना और रशिया पे होगा SCO पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ऐसी डेवलपमेंट होगी, लेकिन जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बदलते हुए भी पता नहीं चलता, अचानक से भी हो सकता है कुछ भी, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं ऐसा लग रहा, लेकिन खैर अच्छी खबर जरूर है, जैसे आपने कहा कि 2015 के बाद पहली बार इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको एक अच्छा रिसेप्शन। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना अचानक, तो एजाज आप तो गुज़श्ता साल गोवा में अटेंड भी किया था आपने SCO, ये बताएं ये अचानक जो फैसला हो गया, क्योंकि भारत की तरफ से कहा जा रहा था पहले कि ऑनलाइन शिरकत होगी, बाज़ाब्ता कोई वफ्द भी नहीं भेजा जाएगा, अब अचानक ये फैसला क्यों किया गया कि जयशंकर अपने वफ्द के साथ बजाते खुद आएंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अलीना, ये बड़ा अहम है, और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी अहमियत नहीं होती, लीडरशिप की अहमियत होती है। और इस वक्त हिंदुस्तान के पास जो लीडर हैं पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ बात की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए कि लोगों ने बार बार उनके ऊपर एतमाद किया है। ठीक है, ज़्यादा इस दफा नंबर वो नहीं ले सके जो उनका हदफ था, लेकिन ये हिस्ट्री बनी है। और उनकी तरफ से ये जो जयशंकर का आना है, जब लग ये रहा था कि शायद वो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन की हेड को कहेंगे कि वो इस मीटिंग में हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करें और शायद ऑनलाइन शिरकत होगी, उस सारे माहौल से बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट जाकर ये इनका पाकिस्तान में आना बड़ा अहम है, गैर मामूली है। और ये बायलैटरल दौरा नहीं है, ये जाहिर है SCO ममालिक का है, लेकिन इसमें बायलैटरल मुलाकातें होती हैं। जो तरीका कार है, आपको लग रहा है इस बार होगी? मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसका एक जो फुटप्रिंट हमें मिलता है, वो फुटप्रिंट ये मिलता है कि
रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस और अमृतसर का जो एयरपोर्ट है इसके दरमियान दो परवाजें जो है वो उनका तबादला हुआ है। वो परवाजें किसकी थी, कौन उनमें सवार था, ये अभी बात सामने नहीं आई, आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है, होमवर्क हो रहा है। और मेरे ख्याल में जब भी इस तरह की फोरम्स भी हो उस पे भी जब होस्ट मुल्क होता है तो होस्ट मुल्क होस्ट करता है। मिसाल के तौर पे शाम के वक्त ये पहुंचेंगे जयशंकर, तो उस रात का जो जोहराना है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है। जी 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 इशाइया, बिल्कुल ठीक है यहाँ जी सर। तो इशाइया है, अगर आप ये देख लें, मैं इसकी हिस्टोरिक जो बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर का ये पाकिस्तान में तकरीबन चौथा दौरा होगा। 2015 में आए जयशंकर सार्क मालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से मामलात आगे चले। फिर अपनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे, ये पाकिस्तान में आए। और फिर एक और बड़ा तारीखी दौरा था जिसमें जयशंकर मौजूद थे, और वो दौरा था जब नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान जाते हुए रस्ते में लाहौर रुके थे, तो जयशंकर उनके साथ थे। और फिर उसमें ये तय पाया था कि जो साल 2016 है उसके मिड में जयशंकर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को वो दौरा हुआ था 2015 को, और उसके 6 दिन के बाद, एग्जैक्टली 6 दिन के बाद पठानकोट हो गया था। और पठानकोट के बाद हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की बड़ी इंटेंस एंगेजमेंट हो रही थी, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि जो जयशंकर है वो आए। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इन हाउस मीटिंग रखी थी, और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये एजाज चौधरी हैं पाकिस्तान के उस वक्त के सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब लिखी है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, उनमें उन्होंने लिखा, उसमें ये बताया। तो पाकिस्तान ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मामला यही है, हम 2015 को रेफर करें लेकिन उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस आई हैं सिफारती तौर पर भी, और जनरली जो दोनों मुल्कों के हालात हैं उसके लिए भी। हमने देखा मुख्तलिफ फोरम्स पर जब इंगेजमेंट हुई भी, आमना सामना हुआ भी, तो यही जयशंकर साहब थे जिन्होंने बहुत तल्ख बयान दिए, मोदी साहब की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत चेंज हुई है। क्या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे इनसे कुछ, या बर्फ पिघलने का कुछ साइन है? ये एक छोटी सी ब्रेक, बाकी तजियाकारों की राय जानेंगे। वेलकम बैक। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे, और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मजे साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें। अच्छा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है, इससे हट के कि होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कान बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे के का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे, जिसके मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुसबत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है,
नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फौरन बाद कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी दो दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तल्लुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिशें, कभी फैटिक में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तन्हा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है, मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए हमें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।